मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। आपकी पंचायत आपकी सरकार के तहत खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 पांडरी में पहुंची, जहां प्रत्याशी रामेंद्र उर्फ रामू जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद ले रहे थे। इस दौरान प्रत्याशी ने कहा कि ना तो मैं रेत माफिया हूं और ना ही शराब माफिया, फिर हमसे जनता प्रेम क्यों नहीं करेगी, बल्कि चुनाव में जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जिला पंचायत के वार्ड 3 पांडरी में पहुंची खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम। जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड 3 में मचा चुनावी घमासान। जल संकट, साफ सफाई और विकास बना चुनावी मुद्दा। वार्ड 3 से प्रत्याशी रामेंद्र उर्फ रामू ने लिया जीत का आशीर्वाद। मैं गरीबों को हमेशा सुनता हूं, जनता देगी मुझे आशीर्वाद। प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे हुए हैं। वहीं जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 3 में प्रत्याशी रामेंद्र उर्फ रामू का तूफानी जनसंपर्क जारी है। जनसंपर्क के दौरान रामेंद्र का स्थानीय मतदाताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मैं गरीबों की बात सुनता हूं और गरीबों की समस्या का समाधान करवाता हूं। ना मैं माफिया हूं और ना ही मुझ पर अभी तक कोई FIR हुई है, जिसके चलते इस चुनाव में जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी। हम तुम्हारे साथ हैं। जन-जन की यही पुकार। रामू भैया की बात। जन-जन की यही पुकार। मैं गरीबों का बेटा हूं। इस गांव में माता और पिता तुल्य बुजुर्ग रह रहे हैं। मैं सबके सामने ये वादा करता हूं कि क्षेत्र का समग्र विकास करूंगा, गरीबों और हर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस दौरान प्रत्याशी रामू ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन हजारों मतों से विजय हमारी होगी। और जिन लोगों का जो चल रहे हैं उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई शराब माफिया है, कोई किसी का काम कर रहे हैं, कोई किसी का काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैंने जीवन में अपने में सेवा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। गरीब परिवार की, बुजुर्गों की, बड़े भाइयों की, सभी की सेवा की है। मैंने कोई ऐसा गलत काम, रेत माफिया मैं नहीं हूँ, शराब माफिया मैं नहीं हूँ। जो भी मैंने काम किए हैं अच्छे काम किए हैं और लोगों की भलाई के काम किए हैं, और जिसको जब जरूरत पड़ी ये भाई ये लड़का उनका तत्पर सेवा के लिए तैयार रहा है। चाहे रात के 12 बज रहे हों या रात के 2 बज रहे हों, जब किसी ने मुझे फ़ोन किया तो मैं तत्पर तैयार रहता हूँ सेवा के लिए। और मैं चाहता हूँ जीवन में ये शरीर क्षेत्र की हमारी जनता के लिए सारी वार्ड क्रमांक 5 पांडरी 3 वार्ड नंबर से क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं, और जो भी मेरे शरीर से भला हो सके, जो सहयोग हो सके, ये ईश्वर की कृपा है। और जीत तो निश्चित है, और जीत एकासी नहीं होगी, जिस दिन जीत होगी हजारों से जीत होगी, ये मेरा दावा है खुद का, क्योंकि वार्ड क्रमांक 3 की पांडरी की जनता का आशीर्वाद है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है हम पे। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। आप ये धरुण भाई देख लेना, और आप तो सभी गांव में जाते हैं, आपको माहौल पता होगा कैसा चल रहा है। एक ही हर गांव में एक ही आवाज आएगी, रामू भैया। वहीं मौजूद ग्रामीणों ने भी जनसंपर्क के दौरान रामेंद्र का भव्य स्वागत किया और जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राजकुमार यादव ने प्रत्याशी रामू की जमकर तारीफें की। सबसे अच्छा रामू भैया का माहौल अच्छा लग रहा। सरपंच जी, सरसई जी ग्राम सरपंच अभी वर्तमान सरपंच हैं, और हमारे यहाँ सदा आते हैं, कोई काम होता है कोई फोन करता है, सभी लोग हम उनके ही साथ हैं। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 3 से जिला पंचायत सदस्य रामेंद्र उर्फ रामू को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं जनसंपर्क के दौरान रामू जहां भी जा रहे हैं वहां जनता उनका भव्य स्वागत कर जीत का आशीर्वाद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।